आज आपको वीडियो एडिटिंग सिखाने लगा हूँ बहुत ही आसान तरीके से वंडरशेयर फिल्मोरा सॉफ्टवेयर के अंदर। आज आपको दो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, एक तो आपको इंपॉर्टेंट टूल्स पता लगेंगे वीडियो एडिटिंग के फिल्मोरा के अंदर, और सेकंड में आपको प्रैक्टिकली एक वीडियो को एडिट करके भी दिखाऊंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप आसानी से देख सके। तो प्लीज थोड़ी देर के लिए ना अपने इंस्टाग्राम यूट्यूब को दिमाग से थोड़ा सा हटा दो और पूरा फोकस करो कुछ सीखने पे। और जो जो वीडियो स्टॉक फुटेज मैंने यूज करी है आपको भी सारी प्रोवाइड हो जाएंगी, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपको बिल्कुल भी वीडियो एडिटिंग नहीं आती, आप फिल्मोरा सॉफ्टवेयर एडिटिंग सीखना चाहते हो बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, कैसे अपनी वीडियोस को लेकर आना है, कैसे कट्स लगाने हैं, कैसे स्प्लिट ट्रिम करना है, टाइटल्स कैसे लिखने हैं, ट्रांजिशंस कैसे लगानी है, काफी एस्थेटिक वाले इफेक्ट्स को यूज करके अपनी वीडियोस को और बेटर कैसे बनाना है, की फ्रेम्स कैसे यूज करने हैं, मोशन ट्रैकिंग कैसे करनी है, जो ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियोस होती है उसमें ग्रीन स्क्रीन कैसे हटानी है, स्टॉक इमेजेस का यूज कैसे करना है, और अगर वीडियो ग्रीन स्क्रीन पे शूट नहीं हुई उस वीडियो में से बैकग्राउंड कैसे रिमूव करनी है। और अभी एआई का जमाना चल रहा है तो एआई टूल्स आपको बताएंगे, ये फिल्मोरा सॉफ्टवेयर के अंदर ही एआई इमेजेस कैसे जनरेट करनी है, एआई का यूज करके म्यूजिक कैसे बना सकते हैं, टेक्स्ट टू वीडियो भी देखेंगे कि सिंपली हमने टेक्स्ट लिखा और अपने आप वीडियो बनकर रेडी, और इसी सॉफ्टवेयर के अंदर थंबनेल कैसे बनाना है अपनी वीडियो के लिए। भाई आज तो आपको भर भर के नॉलेज देंगे, प्लीज इस वीडियो पे आप एक लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें एंड हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग कोर्स। एंड ये वंडरशेयर फिल्मोरा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी आप चेक कर लेना। मैंने फिल्मोरा को इंस्टॉल करा हुआ है तो यहाँ से सीधा सीधा ओपन करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने डिसाइड करना है कि हमने जो वीडियो बनानी है वो यूट्यूब के लिए बनानी है ऐसी वाली या रील्स वाली ऐसी वर्टिकली बनानी है, तो उसको चूज कहाँ से करना है। यहाँ पर है जी एस्पेक्ट रेशियो, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन हैं, पोर्ट्रेट की, इंस्टाग्राम की, स्टैंडर्ड, वर्टिकल। तो अभी हम यूट्यूब वाली ही बना रहे हैं, तो वाइड स्क्रीन ये वाली 16:9 ये वाली, इसको सिलेक्ट करते हैं। नया प्रोजेक्ट बनाना है तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। फिल्मोरा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको एडिटिंग सिखाने के लिए, पर आपकी एक्साइटमेंट भी पूरी होनी चाहिए कि हाँ भी हम भी आज वीडियो एडिटिंग सीखेंगे फिल्मोरा में। पहले तो सॉफ्टवेयर को समझ लो ऊपर से ही, ये अलग अलग खाने से बने हुए हैं, डब्बे डब्बे से सेक्शन कह सकते हैं इसको। पहले वाला ये जो सेक्शन है ना, इसके अंदर क्या होता है, हमने जो वीडियोस को एडिट करना है उनको उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। इसके बाद नीचे ये वाला जो सेक्शन होता है, यहाँ पर होती है टाइमलाइन, यानी कि जहाँ पर हमने कटिंग वगैरह करनी है, फालतू सीनों को काट देना है, जरूरत वाली चीजों को रख देना है, इफेक्ट्स लगाने हैं, वो सारा कुछ हम एडिटिंग यहाँ पर करते हैं। और ये ऊपर की तरफ ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट होता है, टाइटल्स होते हैं, एनिमेशन होती हैं, ट्रांजिशन होती हैं, वो सारी चीजें ऊपर की तरफ यहाँ पर होती हैं, यहाँ से उठा उठा कर हम नीचे रख देते हैं। एंड ये जो बचा हुआ खाना ये वाला, इसके अंदर होता है प्रीव्यू, यानी कि जो जो चीजें हम कर रहे हैं वो यहाँ पर हम देख पाते हैं। तो भी आपको ये पूरा ओवरव्यू मिल गया क्या क्या होता है। अब जिस वीडियो की हमने एडिटिंग करनी है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके साथ साथ में आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन एक जरूरी चीज, जब हम अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं या जब हम अपने क्लाइंट्स की वीडियोस को एडिट करते हैं तो उसमें क्या होता है, रिकॉर्डिंग के टाइम पे क्या होता है, तो जो बंदा बोल रहा है, जिसकी वीडियो है, उसमें क्या होगा, उसमें गलतियां भी होंगी कि बंदा बोलता बोलता भूल गया या कुछ वर्ड्स गलत बोल जाते होंगे, कुछ लाइंस को रिपीट करा होता है कि हाँ ये गलत बोल दिया, फिर उसको रिपीट कर दिया। और फिर आता है एडिटर का काम, एडिटर क्या करता है, ये सारी फालतू चीजों को कट कर देता है, जिस जिस चीज की जरूरत है वीडियो में सिर्फ वही वही चीजें रखता है, जो चीजें सही है उसको रख लेता है, जो चीजें गलत है खराब है उनको रिमूव कर देता है। बेसिक काम तो यही एडिटर का। तो हम भी वहीं से स्टार्टिंग करते हैं, जिस वीडियो की आज हम एडिटिंग करने लगे हैं वो यहाँ पर मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। पहले तो आप ध्यान से वो वीडियो को देखिए, उसके अंदर आप भी नोट करेंगे जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ वहाँ पर मैं भी भूला हूँ, कुछ चीजें मैंने रिपीट करी हैं, तो ध्यान से देखो पहले वीडियो को। तो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो पूरे दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन वो 24 घंटे में से सिर्फ 8-10 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें हम प्रोडक्टिव हो सकते हैं, यानी कि हम अपना जरूरी काम कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं भाई, जो इंपॉर्टेंट घंटे हैं ना 8-10 घंटे, उसमें से हम 3-4 घंटे तो फोन में वेस्ट कर देते हैं, बैठे फालतू की स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए भी अपने काम को टाइम पे कंप्लीट करें, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि फालतू का टाइम पास ना करें स्क्रॉलिंग करके, और अपना जरूरी काम जो है वो कंप्लीट करें। ये तो हमारी वीडियो आ गई, और एक मेरे पास और फाइल है ये ऑडियो की, जो माइक से रिकॉर्ड हुई है, क्योंकि जो वीडियो में आवाज आ रही है वो कैमरा से डायरेक्ट रिकॉर्ड हुई है, वो क्लैरिटी इतनी नहीं होती, माइक वाली क्लैरिटी ज्यादा है। तो ये भी चीज हम करेंगे कि ऑडियो और वीडियो को सिंक्रोनाइज करेंगे, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ध्यान से बैठ जाओ। तो सबसे पहले काम करना है ये जो वीडियो है और साथ में ये जो ऑडियो है, दोनों को करा जी सिलेक्ट, इनको उठाकर ये जो पहले वाला खाना ना जहाँ पर इम्पोर्ट लिखा है इसके अंदर ऐसे छोड़ देंगे, और दोनों को उठाकर यहाँ पर नीचे रख देंगे। अब हमारी जो वीडियो है वो 50 FPS पे शूट हुई है और प्रोजेक्ट 25 FPS वाला है, तो ये पूछ रहा है भी भाई 50 वाला प्रोजेक्ट बनाना है कि नहीं बनाना, तो हम भाई 25 पे ही रखते हैं, इसको कह देते हैं कीप प्रोजेक्ट सेटिंग्स 25। अभी ऊपर वीडियो है, नीचे हमारी ऑडियो है, यहाँ पर आप लोगो भी देख सकते हैं, ये ऑडियो का लोगो बना हुआ है, ऊपर ये वीडियो का लोगो बना हुआ है।
अभी अगर ध्यान से आप ये ग्राफ बना हुआ है ना जो नीचे, ये ऑडियो का ग्राफ है, ये वीडियो का ग्राफ है, ये मैच नहीं हो रहा। अभी समझाता हूँ, ये देखो। अब मैं वीडियो को अगर प्ले करूँगा ना, प्ले करने के दो तरीके हैं, या तो कीबोर्ड से स्पेस बार से कर सकते हो, या यहाँ पर ये वाला बटन है ना जो प्ले वाला, इससे भी कर सकते हो। तो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो पूरे दिन में आवाज़ें मैच ही नहीं कर रही, तो इनको मैच करना ज़रूरी है। एक तो तरीका होगा कि हम यहाँ से इसको ऐसे साइड से ऐसे ट्रिम करें, फिर इसको ऐसे करके मैच करने की कोशिश करें। ये कई बार होगा, कई बार मैच नहीं होगा, तो हम ऐसे मैनुअली नहीं करेंगे। हम ऑटोमेटिक का ज़माना आ गया, तो ऑटोमेटिक ही करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को करा दी सिलेक्ट, ऐसे करके ड्रैग करके दोनों को कर दिया सिलेक्ट, राइट क्लिक, एंड यहाँ से हम कर देंगे ऑटो सिंक्रोनाइजेशन, यानी अपने आप सिंक्रोनाइज कर दे भाई। लो जी, कर भी दिया। अभी प्ले करके देखते हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं, तो पूरे दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। अभी दोनों ऑडियो सेम चल रही है, लेकिन हमें तो भाई एक ही ऑडियो चाहिए ना, माइक वाली ऑडियो चाहिए, वीडियो की ऑडियो तो चाहिए नहीं हमें। तो वीडियो के अंदर ना ये देखो, ये लाइन सी बनी हुई, एक ये वाली लाइन बनी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको नीचे की तरफ कर देना। ये देखो, अभी वो ग्राफ ही खत्म हो गया, यानी कि अब वो वाली ऑडियो चलेगी नहीं। लेकिन वो 24 घंटे में से सिर्फ 8-10 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें हम प्रोडक्टिव हो सकते हैं। इतना समझ में आ गया अब आपको? अब जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी दिक्कतें भी बढ़ती हैं ना, वैसे ही एडिटिंग में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। अभी आपको एक और दिक्कत दिखाता हूँ। अब सपोज करिए हमने एडिटिंग स्टार्ट कर दी है, हमने यहाँ पर कट लगाना है, तो अब दिक्कत क्या होगी, यहाँ पर हमने जैसे ये कट लगा दिया, अब ये कट सिर्फ वीडियो में लगा है, नीचे जो ऑडियो है ना उस पर कट नहीं लगा। वो देखो, ऐसे तो फिर आवाज़ मैच नहीं होगी, वीडियो आगे चली जाएगी, ऑडियो पीछे रह जाएगी, दोनों में मैच नहीं हो पाएगा। तो ये नई दिक्कत आ गई, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को कर दिया ऐसे सिलेक्ट, राइट क्लिक करा, एंड यहाँ से हम करेंगे क्रिएट कंपाउंड क्लिप। पानी पी लूँ, प्यास लग गई है। क्रिएट कंपाउंड क्लिप पे क्लिक कर देते हैं। इसको अगर नाम चेंज करना है वो कर सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। ओके, अभी एक ही लेयर बन गई, इसी में ऑडियो आ गई, इसी में वीडियो आ गई। अब मेन हम एडिटिंग स्टार्ट करने लगे हैं, स्प्लिट एंड ट्रिम, यानी कि वीडियो में से जितनी भी फालतू चीजें हैं, जहां भी हम भूले हैं, गलत बोले हैं, वो सारा कुछ हटा के डिलीट कर देना। करें फिर। शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से नोट कर लो, दो चीजें हैं ध्यान से। एक तो हमें जो कट लगाने ना, पूरा ध्यान से लगाने, प्रिसाइज तरीके से, तो उसके लिए हम ये जो टाइम लाइन है ना, इस पे जूम करना पड़ेगा, ताकि हम बिल्कुल सही से कट लगाए, कहीं पहले या बाद में कट ना लग जाए। तो हम जूम कर सकते हैं, यहाँ पर ये प्लस माइनस बने हुए हैं, प्लस से जूम करेंगे ऐसे करके। इसका शॉर्टकट भी है, अगर आप अपने माउस को यहाँ पर लेकर जाएंगे ना ऊपर की तरफ, यहाँ पर जो टाइम लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी हम लेफ्ट और राइट साइड की तरफ अपने माउस को करेंगे, तो ऐसे भी हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो ग्राफ बना हुआ है ना ऑडियो का, इसको ज़रूर ध्यान में रखना है, इससे एडिटिंग काफ़ी आसान हो जाएगी, इसको आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एडिटिंग करने में। क्योंकि एक तो हम ऐसे वीडियो को प्ले करके सुनेंगे, है ना, कि कहाँ पर गलती है, कहाँ पर नहीं गलती है। दूसरा, हम यहाँ से ग्राफ से भी देख सकते हैं, ये जो ग्राफ बना हुआ है, जैसे ये खाली पार्ट आ रहा है, मुझे पता है कि हाँ भाई ये मुझे नहीं चाहिए, ये मैंने चीज़ रिपीट करी हुई आगे। अब जैसे ये लाइन मैंने बोली, पूरे दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, तो जहाँ जहाँ पर बोली वहाँ वहाँ पर ग्राफ है। अब मैं यहाँ पर चुप हो गया हूँ, चुप वाला हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, तो ये हमें ग्राफ से भी देख सकता हूँ कि हाँ भाई ये हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आकर ऐसे कट लगा सकते हैं हम। एक कट इधर लगाया, एक कट इधर लगाया, और बीच वाला हिस्सा कर दिया, यहाँ से ये डस्टबिन बना हुआ है, डिलीट कर दो। और यहाँ पर कट लगाना भी बहुत ईजी है, ये जो स्लाइडर है ना हमारा रेड वाला, जहाँ पर कट लगाना है इसको वहाँ पर ले जाओ, जैसे मैं यहाँ पर ले आया इसको, इन्होंने ये स्लाइडर के ऊपर कैंची बनाई हुई है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये कट लग गया। जैसे ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, इसको सिलेक्ट करा, डिलीट कर दिया। अभी वीडियो को प्ले करते हैं और साथ साथ में आगे एडिटिंग करते हैं। अब मुझे पता है इसके बाद ये ग्राफ खाली हो रहा है, यानी कि यहाँ पर गड़बड़ है, तो यहीं पर ही मैंने कट लगा दिया। प्ले करते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, लेकिन हम हाँ कुछ नया सीख सकते हैं। ये वाली लाइन आ गई, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, कट लगाया, बीच वाले हिस्से को सिलेक्ट करा, एंड यहाँ से कर दिया डिलीट। फिर से गैप आ रहा है यहाँ पर, ये देखो ग्राफ में पता लग गया, एक कट इधर लगाया, एक कट इधर लगाया, बीच में कर दिया डिलीट। ये छोटे छोटे से गैप्स हैं, इनको भी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कम कर दें। कट लगाया, और इधर एक और चीज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि दो कट लगा के डिलीट करना है, एक ही कट लगाया मैंने, और ये माउस के कर्सर को बिल्कुल एज पर ले गया, एज पर जाकर इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया। फिर से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी छोटी सी स्पेस आ रही है ना बीच में, तो यहाँ पर जाकर एक कट लगाया, माउस का कर्सर चेंज हो गया, यहाँ पर इसको आगे की तरफ कर दिया, तो ऐसे आगे वाली जो स्पेसेस हैं वो भी हम कट कर देंगे।
अभी टाइमलाइन पे हमने देखो जूम करा हुआ है, हमें नीचे स्लाइडर की मदद से देखनी पड़ रही है टाइमलाइन पूरी। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस माइनस बने हुए हैं, इनके साथ में ये एक बटन है, दो एरोज बने हुए हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे अपने आप टाइमलाइन फिट हो जाएगी। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं ना, आपने अभी तक लाइक और कमेंट नहीं किया, तो प्लीज़ एक गुजारिश है, प्लीज़ इस वीडियो पे एक लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दें। वापस चलते हैं वीडियो पे। तो हमने कट वगैरह तो लगा दिए, अभी अगला स्टेप आता है जहाँ पर हमने स्टॉक इमेजेस, स्टॉक वीडियोस, वो चीज़ों को यूज़ करना है। बहुत ही आसान सा काम है। पहले तो वीडियो को प्ले करेंगे, देखेंगे भी कहाँ पर जरूरत लग रही है स्टॉक वीडियो की या स्टॉक फोटो की, वहाँ पर वीडियो को करेंगे पॉज और वो स्टॉक वीडियो या फोटो को वहाँ पर लगा देंगे। तो पहले प्ले करते हैं वीडियो को। तो पूरे दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, इनमें टाइम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक वीडियो है जिसके अंदर घड़ियाँ हैं, तो वो घड़ियों को यहाँ पर ले आते हैं, इसको घड़ी को उठाया, ऊपर वाले इंपोर्ट वाले सेक्शन में छोड़ दिया। अभी अगर ये वीडियो को मैं डायरेक्ट लेकर आऊँ, ये देखो ये बहुत बड़ी है यार, ये देखो इतनी बड़ी क्लिप, ये तो पूरी वीडियो में आ गई, इतनी नहीं चाहिए। एक तो काम हम कर सकते हैं यहीं पर इसको ऐसे ट्रिम करके छोटा कर लें, है ना, ये भी तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है यहीं पर ही हम पहले ही कट करके लेकर आए, ऊपर ही कट कर ले, टाइमलाइन के अंदर वो चीज लेकर ही ना आए, वो कैसे करना है। ये घड़ी वाली वीडियो है, इसके ऊपर करा जी डबल क्लिक, साइड में प्रीव्यू में अब वीडियो चल रही है, तो हमें ये वीडियो चाहिए भाई यहाँ से, ये पॉइंटर से हम देख सकते हैं हमें वीडियो कहाँ से चाहिए। तो ये मुझे चाहिए यहाँ से, तो मैंने कीबोर्ड से दबाया आई, यानी इन पॉइंट लग गया, अभी यहाँ से चाहिए, कहाँ तक चाहिए मुझे, बस यहीं तक ही चाहिए, तो यहाँ पर वो दबा दिया, इतना कट लग गया। अभी नीचे देखो ये दो बटन्स आ गए, वीडियो और ऑडियो। इस वीडियो क्लिप में से सिर्फ हमें वीडियो चाहिए या सिर्फ ऑडियो चाहिए या दोनों चीज़ें चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए तो यहाँ से उठा कर ले आओ, सिर्फ ऑडियो चाहिए तो ऑडियो वाले पे क्लिक करके इसको ले आओ, लेकिन मुझे सिर्फ वीडियो चाहिए तो मैं क्या करूँगा, वीडियो के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा। पूरे दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, बस 24 घंटे होते हैं, यहीं तक ही चाहिए। तो पूरे दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन वो 24 घंटे में से सिर्फ 8-10 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें हम प्रोडक्टिव हो सकते हैं, यानी 8-10 घंटे ऐसे होते हैं, यहाँ पर भी टाइम की बात हो रही है। तो पहले तो हमने वो सुइयों वाली घड़ी तो लगा दी, अभी जो पुरानी घड़ी होती थी ना, एक मेरे पास वो वीडियो पड़ी हुई है, ये जो पुरानी सैंड क्लॉक सी होती थी, तो ये वाले शॉट को ले आते हैं। जैसे ये बंदे ने उठाया ना इसको, ए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आई दबाया और वो दबाया, इसको ले आते हैं। अब ये वीडियो 29 फ्रेम पर शूट हुई है, लेकिन हमें 25 फ्रेम पर सेकंड पर ही चाहिए। की प्रोजेक्ट सेटिंग्स प्ले करते हैं, में से सिर्फ 8-10 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें हम प्रोडक्टिव हो सकते हैं, यानी क्या प्रोडक्टिव हो सकते हैं, बस यहीं तक ही रखेंगे। सिर्फ 8-10 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें हम प्रोडक्टिव हो सकते हैं, यानी क्या हम अपना जरूरी काम कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन आ रही है, कुछ नया सीख सकते हैं, तो वहां पर मुझे एक फोटो चाहिए, लेकिन वो फोटो हम यूज करेंगे AI से। वंडरशेयर फिल्मोरा के अंदर अब AI भी है, तो यहाँ से हम चलते हैं स्टॉक मीडिया के अंदर, यहाँ पर AI इमेज की नई ऑप्शन आ गई, AI यहाँ से करेंगे स्टार्ट। और बहुत ही इजी सा काम है, सिंपली यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखना है एक, तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अ यंग मैन सिटिंग ऑन हिज डेस्क लर्निंग कॉमा स्टडिंग बुक्स ऑन टेबल और सिनेमेटिक लाइटिंग। तो जैसे हमने प्रॉम्प्ट लिख दिया, अभी यहाँ से मैं चूज करता हूँ पोर्ट्रेट और स्टार्ट क्रिएटिंग। अभी यहाँ पर AI का जादू देखेंगे, तो AI ने इमेजेस बना दी है, जो बढ़िया लग रही है वो यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लेते हैं। इसको करा बंद और इसको उठाकर ऐसे यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर रख लेते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं चाहिए तो उसको पीछे से ट्रिम कर देते हैं। कुछ नया सीख सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं भाई, जो इम्पोर्टेंट घंटे है ना 8-10 घंटे, उसमें से भी हम 3-4 घंटे तो फोन में वेस्ट कर देते हैं, फोन में वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर भी एक बीरो लग सकता है शॉट। तो एक फुटेज मेरे पास पड़ी हुई है, वीडियो को लेकर आते हैं, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, आई दबा कर जहाँ तक चाहिए वहाँ पर वो दबा देते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं, जहाँ पर चाहिए वहीं पर ही रखेंगे, जैसे मैं चाहता हूँ ये यहाँ पर ही स्टार्ट हो जाए। तो इम्पोर्टेंट घंटे है ना 8-10 घंटे, उसमें से भी हम 3-4 घंटे तो फ़ोन में वेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर लाइन आ रही फालतू का टाइम पास, एक और शॉट है मेरे पास, ये वाला इसको ले आते हैं, या जैसे ये बंदा दिखा रहे हैं हम टाइम पास कर रहे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, आई से इन ओ से आउट, इसको रखा यहाँ पर। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि फालतू का टाइम पास ना करें, कट लगा के अगले वाला डिलीट, अपना ज़रूरी काम करें, है ना। एक यहाँ पर भी बीरो लग सकता है, जैसे ये वाले बंदे का शॉट है, आई से इन ओ से आउट, और अपना ज़रूरी काम जो है वो कंप्लीट करें, पीछे वाला हिस्सा डिलीट,
तो अभी हमने बी रोल सारे लगा दिए, अभी एक बार प्ले करके देखते हैं। तो पूरे दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन वो 24 घंटे में से सिर्फ 8-10 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें हम प्रोडक्टिव हो सकते हैं, यानी कि हम अपना जरूरी काम कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं भाई, जो इंपॉर्टेंट घंटे है ना 8-10 घंटे, उसमें से भी हम 3-4 घंटे तो फोन में वेस्ट कर देते हैं, बैठे फालतू की स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि फालतू का टाइम पास ना करें स्क्रॉलिंग करके, और अपना जरूरी काम जो है वो कंप्लीट करें। अभी हम देखेंगे की फ्रेम्स, जैसे ये वाला AI शॉट हमने लगाया, ये एक फोटो है ना, स्टिल है, मैं चाहता हूं ये हल्के हल्के से जूम इन होती रहे, हल्के हल्के से जूम इन होती रहे। तो वो चीज को करने के लिए हम यूज करेंगे की फ्रेम्स का। देखो प्रैक्टिकली हम चीजें भी कर रहे हैं और साथ साथ में आपको नए नए टॉपिक्स भी पता लग रहे हैं, इसमें हम की फ्रेम्स का यूज करते हैं। तो हम ये जो स्लाइडर है ना, इसको उठाकर ले आएंगे जहां से ये क्लिप शुरू हो रही है, जैसे ये यहां से शुरू हो रही है, इसको उठाकर यहां पर ले आए हम। ये फोटो के ऊपर हम करेंगे डबल क्लिक, इससे इसकी प्रॉपर्टीज खुल गई, इंस्पेक्टर प्रॉपर्टीज। यहाँ पर ऊपर स्केल है, स्केल का मतलब साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। पोजीशन है, यानी लेफ्ट राइट इसको करना है। ये रोटेशन है, घुमाना फिराना इसको, फ्लिप करना है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पर। हमें बेसिकली स्केल वाली चाहिए क्योंकि हमने जूम इन करना है, तो पहली वाली स्केल वाली। हम क्या करेंगे, स्केल के साइड में ये ट्राइंगल्स बने हुए हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, की फ्रेम लगा दी हमने। अभी हम ये स्लाइडर को थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे जहां तक हमारी क्लिप है, और क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे, 105 कर देते हैं, 110 तो ज्यादा, 104 कर देते हैं। चलो प्ले करते हैं, क्या बात है यार, कितना बढ़िया लग रहा है। और ये की फ्रेम्स को मूव भी कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ बिल्कुल एज, बिल्कुल जहाँ पर वीडियो फोटो खत्म हो रही है ना, बिल्कुल इसके किनारे पे आ जाए। और ये तो सिंपल सी फोटो है, अगर और भी ज़्यादा आपको एनिमेशंस करनी हो तो यहाँ पर ना ये जो की फ्रेम्स हैं इन पर राइट क्लिक करके इनको हम ईज इन ईज आउट भी कर सकते हैं। ये की फ्रेम्स का पैनल भी अलग से शो हो जाएगा, इसको हाइड भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, काफ़ी प्रोफेशनल चीज़ है। अब आपको की फ्रेम्स भी लगाने आगे, एंड यहाँ पर ऊपर जो ऑप्शंस है ना हमारे पास, इसके अंदर स्टॉक मीडिया की ऑप्शन है। इसके अंदर अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर एक तो हमने AI से इमेज जनरेट करवाई थी, इसके अलावा यहाँ लाइब्रेरी के अंदर बहुत ज़बरदस्त लाइब्रेरी है, जिसके अंदर बहुत सारे हमें अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी, फोटोज मिल जाएंगी। जैसे ये इंट्रोज हैं, ये अलग अलग सीन्स हैं यहाँ पर, ये अलग अलग लैंडस्केप्स हैं, सीन्स हैं, टेक्नोलॉजी का अलग अलग स्टॉक है, ये सॉलिड कलर बैकग्राउंड्स है, ग्रीन कलर की चाहिए, या अलग अलग कलर्स की ऑप्शन है हमारे पास। और इतना ही नहीं, जो हम वेबसाइट से स्टॉक्स को डाउनलोड भी करते हैं ना, जैसे Pixabay, Pexels, तो ऐसे अलग अलग जो वेबसाइट्स होती है वो भी यहाँ पर हमें मिल जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइब्रेरी को करा बंद, यहाँ पर पार्टनर्स है नीचे, इसके अंदर जाएंगे ना, यहाँ पर देखो Pexels है, Pixabay है, Unsplash भी है, ये सारी जो स्टॉक वाली वेबसाइट्स हैं इनका स्टॉक यहीं पर हमें मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ऑडियो की ऑप्शन भी है। अभी म्यूजिक लगाने की बारी है तो म्यूजिक भी यहीं से लगा देते हैं, लेकिन एक खास बात, यहाँ पर अब AI से म्यूजिक भी जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पर देखो AI म्यूजिक की ऑप्शन है, इसके अंदर चलते हैं, टूल स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब जैसे मुझे थोड़ा सा सेंटीमेंटल सा म्यूजिक चाहिए तो सेंटीमेंटल कर देते हैं, और टेम्पो नॉर्मल, म्यूजिक ड्यूरेशन कम कर देते हैं, हमारी वीडियो छोटी सी है तो 25 सेकंड का बहुत है, 25 सेकंड का म्यूजिक बना देते हैं। यहाँ पर थीम भी है, थीम कैसा चाहिए, थीम हमें चाहिए सिनेमेटिक कर देते हैं, और जॉनरे भी है, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। भाई साहब AI से म्यूजिक भी बन रहा है, अरे भाई इसने 3-3 म्यूजिक बना दिए, क्या बात, ये बढ़िया यार थर्ड वाला, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। मैं तो पानी पीने लगा था, इसने पहले ही म्यूजिक बना दिया यार, बहुत स्पीड है। डाउनलोड हो गया, अभी प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऐड टू प्रोजेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर नीचे लग गया अपने आप ही। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा ट्रिम कर देते हैं पीछे से, और इसके ऊपर ये की फ्रेम है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे आगे की तरफ, ताकि थोड़ा सा स्मूथली म्यूजिक खत्म हो। अभी म्यूजिक की आवाज़ मुझे लगता है ऊँची होगी क्योंकि मेरे डायलॉग्स भी हैं, तो इसकी साउंड को थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करा, ये ऑडियो वाला टैब खुल गया, वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर देते हैं। म्यूजिक के बाद बारी है टेक्स्ट लिखने की, तो ऑडियो के साथ में हमारे पास है टाइटल्स वाला टैब। भाई इसके अंदर बहुत सारे बने बनाए टेक्स्ट है, ये देखो ट्रेंडिंग वाला टैब, प्लेन टेक्स्ट, 3D भी है, 3D टाइटल्स, लोअर थर्ड जो नीचे टेक्स्ट लिखकर आता है, अरे VFX टेक्स्ट, क्या बात है, जैसे जो रील्स वाला फॉर्मेट होता है उसके लिए अलग से बनाया हुआ है। मुझे ये इंक टाइटल बढ़िया लग रहा था, इसको मैं लेकर आता हूँ, इसको उठाकर सिंपली यहाँ पर नीचे रख देना है, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, प्ले करते हैं, क्या बात है जी। इसको अब थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, बढ़िया तरीके से लगाते हैं इसको, पहले तो इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करा, ये साइड में हमारे पास टाइटल्स के ऑप्शंस खोली अलग अलग, इसके अंदर लिखते हैं टॉक शो, लिख देते हैं टॉक शो, फॉन्ट चेंज कर देते हैं, इसके साइड में टेक्स्ट बॉक्स है उसको भी साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ वैसे में रखूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे, ऐसे रखा इसको। टॉक शो को भी उठाया, सिंपली क्लिक करके इसको उठा सकते हैं ऐसे, बहुत इजी है,
इसको ओके कर दिया, अभी प्ले करते हैं। तो पूरे दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन वो 24 घंटे में से सिर्फ 8-10 घंटे। क्या बात है, इस तरीके से हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अब ट्रांजिशंस तो हमने लगाई थी, तो बिल्कुल जी टाइटल्स के साथ भी हमारे पास है ट्रांजिशंस, इसके अंदर चलते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती है ट्रांजिशंस। तो यहाँ पर भाई बहुत सारी कलेक्शन है ट्रांजिशंस की, बहुत सारी ट्रांजिशंस है यहाँ पर। अब जैसे ये वाला जो शॉट आ रहा है ना, ये घड़ी वाला जो सीन है ना, यहाँ पर मैं चाहता हूँ लाइट की एक ट्रांजिशन आए, तो यहीं पर ही ट्रेंडिंग के अंदर ये फ्लैश वाली ट्रांजिशन है, इसको मैं जस्ट उठाता हूँ और ये वाली क्लिप के ऊपर ऐसे मैंने रख दिया। ये थोड़ी बड़ी है, इसको हम ऐसे ड्रैग करके लेफ्ट साइड की तरफ करेंगे ताकि ये थोड़ी सी छोटी हो जाए। अब इसके बाद ये जो मोबाइल वाला सीन है, यहाँ पर भी एक ट्रांजिशन आनी चाहिए। तो यहाँ पर एक और मुझे दिखी है सिनेमैटिक डिजिटल स्लाइड वाली, इसको लाते हैं। सिंपल सा काम है, जो बढ़िया लग रही है उसको उठा कर नीचे रख देना है। और इसकी ड्यूरेशन अगर ज़्यादा लग रही है, इसको भी ऐसे कम कर सकते हैं। प्ले करते हैं, ये लास्ट वाला जो सीन है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे मैं बढ़ा देता हूँ पहले। और यहाँ पर भी सेम जो फ्लैश वाली ट्रांजिशन पहले लगाई थी, वही वाली यहाँ पर भी लगा देते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्या बात है जी, आपको अब ट्रांजिशंस लगाने भी आ गई, कितनी इजी थी। बहुत सारी कलेक्शन है, आराम से बैठ के देख लेना। यहाँ पर इसके बाद है इफेक्ट्स। तो इफेक्ट्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली बने बनाए इफेक्ट्स है, यानी कि हमें जैसे ब्लैक एंड वाइट लुक चाहिए, या हमें कुछ और मूवी के इफेक्ट्स चाहिए, जैसे सिनेमेटिक सी फील देनी है, कुछ ओल्ड फोटो वाली फील देनी है, तो यहाँ पर ये सारे बने बनाए इफेक्ट्स हैं। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये फिल्म इफेक्ट आपको दिखाता हूँ। ऐसा इफेक्ट आपने वीडियोस में ज़रूर देखा होगा। इसको ऐसे ट्रिम कर देते ताकि उतनी देर तक ही आए जितनी देर तक ये सैंड क्लॉक वाला सीन है ना, टॉक शो को, तो पहले ख़त्म कर देते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। ऐसे फिल्टर्स हैं, ओवरलेज हैं, ये आपको दिखाता हूँ एनिमी ओवरले वाला, ये आपने काफ़ी ज़्यादा रील्स वगैरह में देखा होगा इफेक्ट वाला, तो पक्का ही देखा होगा। ये साइडों में से जो वाइट वाइट लाइन्स ही आ जाती हैं, इस पर डबल क्लिक करके इसकी भी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइट लीक्स हैं भाई, बहुत कुछ है यार। ऑडियो के इफेक्ट्स भी हैं यहाँ पर, ये देखो ऑडियो का जो स्पेक्ट्रम होता है ये भी है। आपने कई बार वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर ऐसा स्पेक्ट्रम सा चल रहा होता है, ये वाला ऑडियो की वेव फॉर्म सी अपने आप बनी बनाई, कितना बढ़िया लग रहा है यार। बहुत कुछ है यार इसके अंदर, दो बोरिस इफेक्ट्स भी हैं, न्यू ब्लू एफएक्स। इसके बाद स्टिकर्स का टैब भी है यहाँ पर, हमने सब्सक्राइब का बटन दिखाना है, किसी चीज़ के ऊपर पॉइंट करके एरो दिखाना है वो भी है, ये हाथ है, ये लाइक का बटन है, जो भी चाहिए ना जस्ट सिंपली उसको ड्रैग करके नीचे लेकर आना है। ये देखो, मतलब कितना ईजी हो गया यार ये सब। ये एरो है, जैसे किसी चीज़ की तरह पॉइंट आउट करना है, एरो को बड़ा छोटा करना है, इसके ऊपर क्लिक करो, इसको छोटा कर दो, इसको घुमाना है, ये ऊपर वाला जो बटन है ना गोल सा, इसको ऐसे करके घुमा दो। अब इस वीडियो में तो ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। ये देखो कमेंट का बटन है, ये रील्स वगैरह में यूज़ हो जाता है। इसके बाद टेम्पलेट्स भी हैं, जैसे ये टेम्पलेट का यूज़ करना है तो टेम्पलेट को मैं नीचे ले आता हूँ। अब ये बना बनाया टेम्पलेट है, अगर आपने इसको यूज़ करना है जस्ट आपने अपनी फोटोज के इस पर लगाना है। और कैसे लगाना है, बहुत ही सिंपल है, इसके ऊपर ही लिखा हुआ है क्लिक टू रिप्लेस मटीरियल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट मीडिया यहाँ पर लिखा है रिप्लेस योर फोटो, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब देखो नीचे प्लस 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 बन के आ गए, प्लस के ऊपर क्लिक करा, गैलरी में से अपनी फोटोज को चूज कर लेना। जैसे मेरी कुछ पुरानी फोटोज पड़ी हुई हैं, इनको मैं ले आता हूँ, प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो बहुत ही आसान सा काम है यार, इसको भी कलर डिलीट कर देते हैं। अब बारी आती है कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग की। तो ये वाली क्लिप, जैसे मेरी ये वाली वीडियो है, इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक करा एंड यहाँ पर ये जो टैब खुल गया एक नया, एंड ऊपर ये देखो यहाँ पर लिखा है जी कलर, कलर के अंदर चलते हैं। यहाँ पर ऊपर कुछ प्रीसेट्स हैं बने बनाए, जैसे अगर ये यूज़ करने हैं, लेकिन मैं खुद से ही करूँगा। तो नीचे आएंगे एंड यहाँ पर देखो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह हमारी चीज़ें आ गई जो हम यूज़ करते होते हैं। ब्राइटनेस को बढ़ा देते हैं पहले, कॉन्ट्रास्ट तो ठीक लग रहा है। हाइलाइट्स, ये सिंपल से स्लाइडर्स हैं, जैसे मूव करेंगे इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। अगर कोई वैल्यू को, जैसे आपने ये कर दी है ना खराब होगी वैल्यू, आपने उसको रीसेट करना है, तो यहाँ पर ये गोल सा बटन है रीसेट का, इसके ऊपर क्लिक कर दो वापस जीरो हो जाएगी। ये शार्पन है, इसको बढ़ाएंगे तो देखो शार्पनिंग बढ़ गई, कम करेंगे तो वीडियो थोड़ी ब्लर हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। टेम्परेचर है, इसको कूल करना है कि वार्म करना है। अगर बिफोर आफ्टर देखना है तो ये ऊपर छोटा सा बटन है, ये बिफोर आफ्टर, ये देख रहे हो बिफोर आफ्टर, और बिफोर आफ्टर के अलग अलग स्टाइल्स हैं। और इतना ही नहीं, ये तो बेसिक वाली कलर करेक्शन होगी, इसके साथ में देखो HSL भी है, अलग अलग कलर्स की हम ह्यू सेचुरेशन ल्यूमिनस चेंज कर सकते हैं। जैसे स्किन को थोड़ा सा और गोरा करना है तो ऑरेंज कलर के अंदर जाएंगे, या जैसे ल्यूमिनस को मैं बढ़ाऊंगा तो देखो स्किन वाइट हो रही है, स्किन डार्क हो रही है। जैसे येलो कलर के अंदर चलते हैं, यहाँ से सेचुरेशन में बढ़ाऊंगा तो देखो ये प्लांट्स के ऊपर दिखना इफेक्ट, येलो कलर बढ़ रहा है ना, कमाल। कर्व्स के अंदर भी अलग अलग ऑप्शंस हैं यार, क्या बात है। कर्व्स के अंदर भी हम अलग अलग एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपनी वीडियो को और बढ़िया बनाने के लिए। कलर व्हील्स भी हैं यहाँ पर,
अरे भाई साहब, कलर व्हील्स भी आ गए, जैसे ये हाईलाइट्स, मिड टोन्स और शेडोज है ना, तो शेडोज यानी जो पार्ट्स डार्क है वीडियो में, जैसे ये मेरी टर्बन का कलर या जो पीछे ये जो बॉक्स पड़ा हुआ है, इनमें अगर कोई कलर भरना है, जैसे शेडोज में कलर भरना है तो वो वाला भर सकते हैं। जैसे देखो ब्लू कलर आ रहा है शेडोज में, ये येलो आ रहा है, ये ब्लू आ रहा है, और शेडोज को थोड़ा सा और डार्क करना है तो इसको नीचे कर दो, ब्राइट करना है इसको ऊपर कर दो, रीसेट करना है इसको रीसेट कर दो, मिड टोन्स, ये हाईलाइट्स, क्या बात है यार। तो अभी हमने ये वाली वीडियो के ऊपर तो कलर करेक्शन कर दी, बाकी वीडियोस का क्या, बाकी तो डार्क ही हैं। ये देखो बाकी डार्क है, ये वाली देखो ये ब्राइट है, तो यही वाली टोन बाकी के ऊपर कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बहुत ही आसान है, इसको कर देते हैं ओके। पहले ये वाली वीडियो जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कलर करेक्शन कर दी है, सिंपली वीडियो को करना है सिलेक्ट, ऊपर से जाएंगे एडिट में इफेक्ट एंड यहाँ से करेंगे कॉपी इफेक्ट। अभी जिसके ऊपर पेस्ट करना है, जैसे इसके ऊपर पेस्ट करना है मैंने, ये भी डार्क है ना, इसको करा सिलेक्ट, एडिट, इफेक्ट के अंदर गए एंड यहाँ से पेस्ट इफेक्ट, ये भी होगी ब्राइट। अभी मैं बाकी सबको ऐसे ही सिलेक्ट कर देता हूँ नीचे से कंट्रोल दबाकर, है ना, एडिट, इफेक्ट, पेस्ट इफेक्ट। अभी सारे वीडियोस के ऊपर वही वाली करेक्शन कॉपी होगी अपने आप ही, कितना आसान सा काम था, एक ही ऊपर करो बाकी के ऊपर पेस्ट कर दो। अब आपको कुछ ना एस्थेटिक इफेक्ट्स भी दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं ऐसे इफेक्ट्स वीडियोज़ में ना, तो हम चलते हैं यहाँ से इफेक्ट्स के अंदर। आपने टूटा हुआ कांच दिखाना है तो यहीं पर ही आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे ये शैटर्ड ग्लास इफेक्ट है, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर सर्च बार भी, अगर आपको कुछ सर्च करना है तो जैसे वो लाइट वाला इफेक्ट होता है ना लेंस फ्लेयर, वो हम सर्च करते हैं ऊपर, लेंस फ्लेयर, तो यहाँ पर बहुत सारे लेंस फ्लेयर्स आ गए, जो यूज़ करना है उसको ऐसे डाउनलोड कर लेंगे। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, और भी जो चीज़ चाहिए आपको सीधा सीधा सर्च कर लो ऊपर से, जैसे थोड़ा सा शेक इफेक्ट दिखाना है, कितना बढ़िया लग रहा है, कैमरा ऐसा हल्का हल्का मूव कर रहा है, ऐसे ग्लिच इफेक्ट्स, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं यहाँ पर, यहाँ पर बस सर्च करना है, जैसे मैं ग्लिच सर्च करता हूँ, ग्लिच, ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया इफेक्ट्स वहाँ पर भी बने बनाए, सिंपली उठाकर लगाई चलो। अगर आपको सपोज करो नाम नहीं पता, आप सर्च नहीं करना चाहते, तो आप साइड में ना अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई, जैसे वीडियो इफेक्ट्स के अंदर ही ये देखो शेक वाले अलग से इफेक्ट आ गए, ये जूम वाले अलग से इफेक्ट आ गए, ग्लिच वाले अलग हो गए, तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज बनी है, तो हर एक कैटेगरी के अंदर जाओ एंड यहाँ से भी आपको आसानी से मिल सकते हैं, एंड इन्हीं कैटेगरीज के अंदर ही एक AI पोर्ट्रेट मिल जाएगा हमें, भाई साहब ये कमाल की चीज़ है, आपको दिखाता हूँ। वीडियो में से खुद की बैकग्राउंड को रिमूव करना है, तो ये रहा ह्यूमन सेगमेंटेशन, तो ये इफेक्ट को लगा देते अपनी वीडियो के ऊपर, तो ये देखो बैकग्राउंड रिमूव होगी, अब ये पीछे से खाली होगा, पीछे कोई भी बैकग्राउंड लगा लो, ये घड़ी वाला सीन लगा देते, खुद की लेयर को ऊपर रख दिया, इसको भी ऊपर डबल क्लिक करा, इसके साइज को बढ़ा देते हैं, पोजीशन को थोड़ा सा इधर कर देते हैं, बैकग्राउंड रिमूव एक ही क्लिक पे, अभी ऐसा नहीं चाहिए तो अंडू कर देता हूँ। अब आप कहोगे यार साउंड इफेक्ट्स तो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, लेकिन साउंड इफेक्ट्स तो नहीं है इसके अंदर, अरे भाई है साउंड इफेक्ट्स, आपको दिखाता हूँ, ऑडियो के अंदर जाना है यहाँ से, साउंड इफेक्ट की अलग कैटेगरी मिल जाएगी, साउंड इफेक्ट्स के अंदर चलते हैं। यहाँ पर ये ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट आपको सुनाता हूँ, आपने जरूर सुने होंगे, ये बीप वाला, ये पेज पलटने वाला, माउस क्लिक, कंप्यूटर टाइपिंग वाला, कैमरा का शटर वाला, ओ बेल रिंग वाला, वूश साउंड इफेक्ट, ओ कैमरा शटर, क्या बात है, बहुत सारे हैं, ये वूश की अलग कैटेगरी है, डिंग की अलग कैटेगरी है, ये मीम्स वाली कैटेगरी भी है, अच्छा जी, ओ क्या बात है, ये ट्रांजिशन साउंड इफेक्ट्स हैं, क्या बात है, ये ग्लिच की अलग कैटेगरी है, अरे यार ये कैमरा के साउंड इफेक्ट्स की अलग से कैटेगरी बना रखी है, क्या बात है यार, नोटिफिकेशन, एम्बियंस, फ्लाइट, फायर, लाफ्टर, इंस्ट्रूमेंट, मनी, मनी की कैटेगरी भी है यार, मनी वाले आजकल काफी साउंड इफेक्ट्स चलते हैं ना, ये वाले। अब अगर आपने वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना है तो यहीं पर ये माइक का आइकन मिल जाएगा, ये वीडियो के नीचे रिकॉर्ड अ वॉइस ओवर, इसके ऊपर क्लिक करो, यहां से ये पूछेगा कि कौन से माइक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे ये वाला मेरा माइक सिलेक्टेड है, कंडेंसर माइक्रोफोन, इसी को रहने देते हैं। कहां पर ये वॉइस ओवर सेव करना है वो फोल्डर भी हम अलग से सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड सिंपली यहाँ पर रिकॉर्ड पे क्लिक करके अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी के साथ में ऑडियो मिक्सर भी है, आपने वीडियो को फुल स्क्रीन पे देखना है कि वीडियो कैसी लग रही है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखो, एस्केप दबाएंगे कीबोर्ड से
तो वापस नॉर्मल साइज भी आ जाएगा। यहाँ पर ये ऑडियो का मीटर भी है कि ऑडियो चेक करनी है, ऑडियो हमारी ज़्यादा ऊंची तो नहीं हो रही। प्ले करके देखते हैं, जब अपने वीडियो में से किसी भी सीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। ये कैमरा का आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करो, वो स्क्रीनशॉट के ऑप्शन पूछेगा भी कहाँ पर सेव करना आपने। अब आपको स्लो मोशन करके दिखाते हैं। तो ये वीडियो को मैंने उठाया, सपोज करिए ये वीडियो मैंने ऐसे रख दी इधर, एंड अभी मैं वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। नॉर्मल स्पीड में चल रही है, मैं चाहता हूँ इसको स्लो मोशन में कर दे, तो सिंपली भाई यहाँ पर ये आइकन बना हुआ है स्पीडोमीटर का, इसके ऊपर स्पीड भी लिखा हुआ है, इसको क्लिक करना है एंड यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। स्लो के अंदर चलते हैं एंड यहाँ से कितना स्लो करना है आपने, तो मैं करता हूँ 0.5x। प्ले करके देखते हैं, होगी स्लो। ऐसे अगर वीडियो को फास्ट करना है तो इसी के अंदर जाएंगे एंड यहाँ से फास्ट के अंदर जाकर 2x या 4x कर देते हैं, ये फास्ट हो गई। स्लो फास्ट वाली चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये तो पूरी वीडियो फास्ट हो रही है, पूरी वीडियो स्लो हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि शुरू में पहले स्लो हो, फिर फास्ट हो, फिर स्लो हो, कुछ ऐसा करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। अभी यहीं से हमारे पास स्पीड रैंपिंग के ऑप्शन भी है, स्पीड रैंपिंग के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पर एक तो बने बनाए इफेक्ट्स भी हैं, जैसे ये बुलेट टाइम वाला लगा के देखते हैं। तो ये देखो, पहले ऐसी स्पीड आ रही है, फिर स्लो हो जाएगी, फिर फास्ट हो जाएगी। ये देखना, फास्ट, ये स्लो, फिर फास्ट। और ये पॉइंट्स को हम चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, फिर स्पीड उसके हिसाब से एक्ट करेगी। अब पहले फास्ट होगी, फिर स्लो होगी, फिर फास्ट हो जाएगी। ये देखना, ये फास्ट, ये स्लो, ये स्लो चल रही है, चल रही है, देखो स्लो चल रही है, अभी फास्ट होने वाली है, ये फास्ट होगी। लेकिन अभी ये चीज़ इतनी स्मूथ नहीं आ रही, स्मूथ स्लो मोशन नहीं हो रहा, तो वो भी कर सकते हैं। तो नीचे AI फ्रेम इंटरपोलेशन है, इसके अंदर चलेंगे एंड यहाँ से हम चूज़ करेंगे ऑप्टिकल फ्लो। अब ये AI वाला इफेक्ट थोड़ा हैवी होता है एंड ऊपर भी ये रेड वाली लाइन सी आ रही है ना, तो हम यहाँ से रेंडर प्रीव्यू कर देते हैं, ये वाला बटन रेंडर प्रीव्यू। अब ये रेड वाली लाइन यहाँ से हट जाएगी पूरी वीडियो से, ये देखो रेड वाली लाइन हट रही है नीचे से। अभी वीडियोस नॉर्मली स्मूथ चलेगी, प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखो कितना बढ़िया स्लो मोशन हो रहा है, अभी फास्ट हो जाएगा देखना, ये फास्ट हो गया। अभी आप कहोगे आपने ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना तो बताया नहीं, वो भी बहुत ही आसान है, बताने लगा हूँ। जैसे ये ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो है मेरे पास, ये यूट्यूब के सब्सक्राइब वाली, मगर ये चीज़ जैसे यूज़ करनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपली वीडियो को सिलेक्ट करना है एंड नीचे ये वाली ऑप्शन है हमारे पास क्रोमा की, इसके ऊपर क्लिक कर दो, यहाँ से क्रोमा की, ये ऑटोमेटिक भाई इसने रिमूव कर दिया वैसे तो, अगर ना करे तो ये कलर पिकर टूल है, इससे भी हम सिलेक्ट करके कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ी बहुत इसकी सेटिंग्स अगर आपको चेंज करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये फैदर है, इसके एजेस को स्मूथ करना है कि नहीं स्मूथ करना है तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं एंड अब इसको छोटा सा करके यहाँ पर नीचे रख देंगे। ये देखो ऐसे लगाया होता है वीडियोस में, है ना, ऐसे होता है ना वीडियोस में, आपने देखा होगा। अभी आपका मोशन ट्रैकिंग भी बता देते हैं, तो उसके लिए मैं एक और वीडियो को लेकर आता हूँ। अभी ये वीडियो में जो बंदे के हाथ में फोन है ना, वो ध्यान से देखो, वो हाथ मूव कर रहा है उसका, ऐसे कैमरा मूव कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिखूं जो ये फोन के साथ साथ ही मूव करे, जैसे फोन उसका नीचे की तरफ जा रहा है तो वो भी टेक्स्ट भी उसके साथ साथ नीचे की तरफ जाए, तो भी बहुत ही ज़्यादा है। पहले यहाँ से टी है ना, टी पर क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट लिख लेते हैं, क्विक टेक्स्ट, यहाँ से मैं लिख देता हूँ iPhone 15 बना देते हैं, चलो iPhone 15 Pro। यहाँ से हम फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट ही लगा देते हैं, ये कर देते हैं येलो वाला। तो टेक्स्ट की ड्यूरेशन को कम कर देते हैं पहले, वीडियो क्लिप जितनी ही। अभी मैं चाहता हूँ ये फ़ोन के साथ साथ ही मूव करे, तो जिसको ट्रैक करना है यानी कि वीडियो को ट्रैक करना है, वीडियो के ऊपर करेंगे डबल क्लिक, यहाँ से वीडियो, AI टूल्स और यहीं पर ही नीचे हमें मिल जाएगा मोशन ट्रैकिंग, इसको ऑन कर देते हैं। ये प्लस बनकर आ गया स्क्रीन पे, ये देखो इसको उठाकर जिस भी चीज़ को ट्रैक करना है, जैसे ये फ़ोन का जो पीछे वाला ब्लैक वाला एरिया ना, इसको मैं ट्रैक कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है जी। क्लिक टू स्टार्ट मोशन ट्रैक, इसके ऊपर क्लिक कर दो, इसने ये ट्रैक कर दिया। अब हमारे पास दो लेयर्स हैं, नीचे वीडियो, ऊपर हमारे टेक्स्ट, अब दोनों को लिंक करना पड़ेगा। ट्रैक तो कर दिया, अभी दोनों को लिंक भी करना पड़ेगा ताकि वो टेक्स्ट वो ट्रैकिंग मूवमेंट के साथ साथ भी मूव करे, बहुत ही आसान है। यहीं पर ही लिंक एलिमेंट आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहीं पर ही पूछ रहा है कि आपने इम्पोर्ट करना है कि यही वाला टेक्स्ट यूज़ करना है, तो ये वाला टेक्स्ट हमारा इसने साइड में भेज दिया, इसको थोड़ा सा इधर रखते हैं, ओके। अब प्ले करके देखते हैं, ये देखो iPhone 15 Pro साथ साथ में मूव हो रहा है, वो देखो फ़ोन के साथ साथ में जा रहा है ना, बढ़िया चीज़। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं आपको, ये बीच में ये देख सकते हो आप गैप्स आ रहे हैं, जैसे ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो रही है उसके बाद यहाँ पर गैप आ रहा है। एक तो तरीका होगा, मैं ऐसे पकड़ के उठा उठा के इसको ऐसे रख दें,
दूसरा आसान तरीका होता है गैप के अंदर क्लिक करना है, यहाँ से क्लोज पे क्लिक कर दो। ये देखो अपने आप गैप खत्म हो गया, ये देखो गैप खत्म। अभी वीडियो हमने बना दी, इसको एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना, तो वो भी बहुत आसान है। सिंपल सा काम करना, ऊपर से एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से लोकल डिवाइस यूट्यूब अलग अलग ऑप्शंस हैं। हम यहाँ पर लोकल ही सेव करते हैं कि अपना जो लोकल कंप्यूटर है, लोकल का मतलब अपना जो कंप्यूटर हम यूज़ करें उसी के अंदर ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम हम रखते हैं, हम जैसे टाइम के ऊपर बात कर रहे हैं तो टाइम सेव रख देते हैं। सेव टू कहाँ पर सेव करना है, तो मैं ये अपना जो ट्यूटोरियल वाला फोल्डर है उसके अंदर ही सेव कर देता हूँ। फॉर्मेट काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, MOV, MP4, अभी MP4 ही ठीक है। क्वालिटी रिकमेंडेड ही रखते हैं, ना कम ना ज़्यादा। फ्रेम रेट 25 ठीक है जी। इतना तो हमने कर दिया, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताते हैं। यहाँ पर भाई ऑप्शन है थंबनेल बनाने की, ये साइड में देखो थंबनेल लिखा हुआ है, यहाँ से हम वीडियो का थंबनेल भी बना सकते हैं। एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमने जैसे ये वाले फ्रेम का थंबनेल बनाना है तो नीचे से एडिट, अब यहाँ से खुद से टाइटल लिखना है तो टाइटल लिख दो, जैसे वीडियो का टाइटल कुछ भी लिखना है। और अगर टेम्पलेट ही यूज़ करना है तो टेम्पलेट के अंदर चलो, यहाँ पर भाई बहुत सारे बने बने टेम्पलेट्स हैं, बहुत सारे का मतलब बहुत ज़्यादा सारे हैं। ये व्लॉग की अलग कैटेगरी, ये गेमिंग की अलग कैटेगरी, ये फैशन की अलग से कैटेगरी, म्यूजिक की कैटेगरी, भाई साहब बहुत सारे हैं यार। जैसे ये वाला बढ़िया लग रहा है हाउ टू ट्यूटोरियल वाला, इसको सिलेक्ट करते हैं। क्या बात है जी, मेरी बैकग्राउंड भी इसने रिमूव कर दी, अरे भाई साहब सब ऑटोमेटिक हो रहा है भाई। अपने आप थंबनेल भी बना दिया इसने, यहाँ से सेव कर दो। ये देखो जी थंबनेल भी आ गया, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखो जी थंबनेल भी आ गया हमारा, वीडियो भी आ गई हमारी। और इतना ही नहीं, फिल्मोरा के अंदर और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जो इसकी होम स्क्रीन है ना, वेलकम स्क्रीन, इसी के अंदर ये देखो इंस्टेंट मोड है, स्क्रीन रिकॉर्डर है, टेक्स्ट टू वीडियो है कि टेक्स्ट लिखो से वीडियो बन जाती है। तो टेक्स्ट टू वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, ये आपको दिखाता हूँ मैं टेक्स्ट टू वीडियो। यहाँ तो हम यहाँ पर खुद का भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, हमें ये टाइटल के ऊपर वीडियो बना दो। और अगर ये नहीं करना तो ये टेक्स्ट भी AI से लिखवा सकते हैं, जनरेटेड बाय AI के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम टाइप चूज कर लेंगे भी कैसी टाइप की आपको चाहिए, प्रोडक्ट कवरेज करनी है, ओपिनियन चाहिए, इन्फॉर्मेटिव चाहिए, हम इन्फॉर्मेटिव ही रहने देते हैं। अभी टॉपिक लिख देते हैं, टॉपिक में जैसे लिखता हूँ यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखते हैं हाउ टू फोकस इन स्टडीज। अब मोर डिटेल में पूछ रहा है तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, वी नीड अ 5-step फॉर्मूला फॉर स्टूडेंट्स टू फोकस इन देयर स्टडीज, जनरेट टेक्स्ट। ये अपने आप इसने स्क्रिप्ट बना दी, इसने AI का यूज करके अपने आप ही पहले स्क्रिप्ट बना दी। अभी वॉइस की लैंग्वेज पूछ रहा है कौन सी भाषा में करना है, हम इंग्लिश ही रहने देते हैं। यहाँ से अलग अलग स्पीकर हैं, किसकी आवाज़ में आपको चाहिए, हम ये वाली सेलेक्ट कर देते हैं, डेविस वाली। वीडियो की रेशो पूछ रहा है कि वर्टिकल वीडियो बनानी है कि यूट्यूब वाली बनानी है, हम रील बनाते हैं इस बारी 9:16 ठीक है। अब टेक्स्ट टू वीडियो पे क्लिक कर दो, अपने आप ही वीडियो बना रहा है भाई, अपना काम इतना ही था, सिर्फ टेक्स्ट लिखो से वीडियो बन जाती भाई। अरे भाई साहब इसने ऑटोमेटिक वीडियो बना के कट वगैरह लगा दी, म्यूजिक भी लगा दिया और वॉइस ओवर भी कर दिया नीचे, ये सारी वीडियो सिर्फ एक टेक्स्ट लिखने से बन गई, प्ले करके देखते हैं। In order for students to effectively focus on their studies, a 5-step formula can be followed. शॉर्ट्स भी खुद से ढूंढ के डाल दी इसने यार, ये सारी वीडियोस इसने खुद से ढूंढी, यहाँ पर लगा दी, म्यूजिक लगा दिया, वॉइस ओवर कर दिया, भाई साहब नेक्स्ट लेवल यार। अगर आपको ये वंडरशेयर फिल्मोरा डाउनलोड करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर चेक कर लेना। एंड मुझे उम्मीद है आपको इस कोर्स में से काफी कुछ नया अच्छा देखने को सीखने को मिला, आपको वीडियो एडिटिंग पक्का आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी आपको बड़े आसानी से, बड़े आराम से और बड़े अच्छे तरीके से आपको सारा कुछ समझाया जाए, एंड मुझे उम्मीद है आप समझ भी गए होंगे। एंड ऐसे और अच्छे अच्छे कोर्सेज वीडियो चैनल पर आते रहेंगे, आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर से शेयर कर देना, अपने कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर कर देना और कम से कम एक कमेंट जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं हम जी अगली वीडियो में।